नमस्कार, मैं हूं पहली चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। ईसीएल मुगमा एरिया के कापासारा आउटसोर्सिंग में विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 5 दिनों से मासस, जनमस और अन्य यूनियन के कार्यकर्ताओं में कोयले के उठाव को लेकर विवाद बना हुआ है। गुरुवार को मासस के बैनर तले मासस कार्यकर्ताओं ने मैनुअल लोडिंग व अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मासस नेता रामजी यादव का कहना है कि एमपीएल में जो भी कोयला जाता है उसे मशीन से लोड कराया जाता है, जिससे यहां के स्थानीय मजदूरों का नुकसान होता है। कहा कि एमपीएल और रोड सेल में जो भी कोयले का उठाव होगा वह मैनुअल होना चाहिए। कहा कि पहले कोयले का उठाव स्थानीय डीओ होल्डर करेंगे, उसके बाद एमपीएल में कोयले की ट्रांसपोर्टिंग की जाएगी। कहा कि कोयला नहीं मिलने के कारण डीओ धारकों ने कुछ दिन पूर्व कापासारा में धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद जीएम ने जल्द ही कोयला उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। मामला करीबन 5-6 दिन पहले से चलते आ रहा है। हम लोग का मामला है कि जो लोकल लोग यहाँ हैं, जो मजदूर हैं, जिसको रोजगार बढ़े, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, उस तरह हमारे राष्ट्र में, हमारे क्षेत्र में भी बेरोजगार लोग हैं। लोग मैनुअल रोटी के माध्यम से कुछ लोगों का रोजगार बढ़ा हुआ, लोग उसी से अपना रोटी पालन कर रहे हैं। कुछ ऐसे दल भी हैं जो एमपीएल का दलाली कर रहे हैं, एमपीएल के पक्ष में वो लोग कह रहे हैं कि मशीन से लोडिंग कराएंगे, जो मजदूरों का जो मैनुअल लोड है उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग एक ही बात है, यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिले, मैनुअल लोडिंग हो, डीओ हो, जो भी रोड सेल लगे, डीओ लगे, एमपीएल का हो चाहे रोड सेल का हो। अच्छा, आज आप लोगों ने क्या जो आज हम लोग का है, ये डिमांड है कि आज हमारा जो रोड सेल जो जिस तरह चालू है चालू रहे, और जो यहाँ के डीओ धारक भी लोकल है हमारे, जिनका 27 तारीख तक 7,400 टन डीओ लेप सोने का कगार पे है, हम लोग चाहते हैं कि पहले डीओ होल्डर के यहाँ का लोकल डीओ होल्डर का माल मिले, कोयला उठे, ताकि उन लोग का उठ जाए। उन लोग का प्रति टन 200 रुपया एमडी कटता है, उस तरह का ना जाए। हमारा छोटापन पूंजी वाले लोग हैं जो 550 टन 100 टन लगाते हैं डीओ, उनको माल पहले मिलना चाहिए। कांडा लगा है हम लोग का एमपीएल के विरुद्ध में, एमपीएल का गाड़ी है, हम लोग का नाम है कि एमपीएल का मैनुअल लोडिंग होगा तभी होगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।